हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई योरसेल्फ। अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। तो नॉर्मली जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, क्योंकि हमें मेंशन तो कुछ किया नहीं हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम थीटा मान लें तो ये डायरेक्ट रिजल्ट भी है हमारे पास कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड इज़ माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। और ये कहाँ से बना रिजल्ट, तो हम उसको भी एक बार प्रॉपरली चेक करते हैं कि मान लो जेड है हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं, जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए हम अल्फ़ा फाइंड करते हैं टैन इनवर्स वाई बाय एक्स का मॉडुलस। तो वो क्या आ गया, क्योंकि वाई एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो टैन इनवर्स वाई बाय एक्स आ गया। और जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा के। अब माइनस जेड क्या आ गया, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। तो माइनस जेड कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है तो माइनस एक्स माइनस वाई दोनों नेगेटिव हो गए। तो अल्फ़ा फाइंड करेंगे टैन इनवर्स माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स का मॉडुलस, जो कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जेड क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो आर्ग्यूमेंट का रूल है कि वो होता है माइनस पाई माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा मीन्स माइनस पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, अदरवाइज हमने प्रॉपर एक्सप्लेन कर लिया। तो अब हमें फाइंड क्या करना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी तो माइनस पाई प्लस अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस पाई माइनस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर हमारा आ गया बी ऑप्शन।